लास्ट तो हमने शायद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किया था। हाँ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया था हमने, ये भी कंप्लीट कर लिया था। टेम्परेचर जो आरहेनियस इक्वेशन से जो मिला था आपके पास, LnK2/LnK1, ये वाला कंप्लीट किया था ना हमने। इक्वेशन फॉर्म्स सर वो तो इससे पहले किया था, उसके बाद तो इफेक्ट ऑफ हाउस, कैटलिस्ट किया था। हाँ किया था हमने। तो देखिए अभी अपने पास जो है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की बात होती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करें तो इतना समझ लीजिए, जैसे रिएक्टेंट्स होते हैं तो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो कोलाइड करेंगे, ठीक है। और इसी कॉलिजन को हम क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको एक स्पेसिफिक मैनर में हम इसको डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जितना कॉलिजन होगा मॉलिक्यूल्स को उतना क्या कहेंगे हम उसको, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। डिफाइन कर देते हैं नंबर कॉलिजन्स the number of collisions per second per unit volume of a reaction, per second per unit volume of a reaction, इसको हम reaction mixture भी कह सकते हैं। reaction mixture is called collision frequency, इस कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल गया कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ना देखे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें एक टर्म आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे एक इक्वेशन आता है, जैसे आपने आरहेनियस इक्वेशन पढ़ा था वैसे ही इक्वेशन आता है। जैसे जस्ट सपोज ए प्लस बी ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्शन का जो इक्वेशन होगा, रेट इज इक्वल टू आता है जेड ए बी, ठीक है। जेड ए बी वहां पे आ रहा था, क्या आ रहा था, ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आ रहा था, और यहाँ पे जेड ए बी ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखिए ये सारी चीजें हमें पता है कि ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है। ये जो जेड ए बी होता है ना आपका, जेड ए बी जो होता है ये होता है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ए बी लिखा है तो ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी रिएक्टेंट्स का जो है ये दे रखा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होता है, इज द मॉलिक्यूल, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जीज। ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जीज होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसे लिखें बिल्कुल।
चैप्टर में जरा सा बचा था, ठीक है। इसके बाद आता है एक चीज कि देखिए, प्रोडक्ट बनने के लिए ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका एस्टेटिक फैक्टर और दूसरा जो होता है आपका प्रॉपर, अगर ओरिएंटेशन हो तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, और एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ठीक है, एस्टेरिक फैक्टर ज्यादा होगा तो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादा अनस्टेबिलिटी आती है प्रोडक्ट में तो वहां पे भी फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने पास एक नया टर्म आएगा, ओरिएंटेशन, क्या क्या बोला मैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन की जब बात करते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं एक्चुअल में होता क्या, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन लीड्स टू या फिर द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन सिंपली बाउंस बैक, द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन सिंपली बाउंस बैक, ठीक है, ये वापस आ जाता है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, एंड नो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, एंड नो प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो इसी को समझेंगे हम, ये ऐसा क्यों होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे अपने पास क्या है, एक मिथेनॉल है अपने पास, ठीक है, 11th में ये वाला रिएक्शन आपने किया होगा, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हम सॉरी मिथेनॉल नहीं, एक लेते हैं हम लोग अल्काइल हेलाइड BR ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे OH से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, बेसिकली OH माइनस से हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं। अब देखिए ये दो तरीके से ओरिएंट किया जा सकता है इसको, ठीक है, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ऊपर वाला देखिए हम ले लेते हैं प्रॉपर, और नीचे वाला ले लेते हैं हम लोग इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन लिख देता हूं मैं यहां, और नीचे वाले में क्या लिख देता हूं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रॉपर ओरिएंटेशन की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में, कि यहाँ से CH ये है, H ये है, H ये है, जब BR निकलने वाला रहेगा तो BR पे क्या लगा रहेगा, निगेटिव साइन लगा रहेगा, लग रहेगा कि नहीं, और जी सर, यहाँ यहीं पे क्या है आपके पास OH माइनस है, अब दोनों में क्या होगा रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका नो रिएक्शन हो जाएगा, यानी कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इसी रास्ते से जाएगा, दोनों निगेटिवली चार्ज, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। वहीं पे अगर मैं, तो ये हमने क्या लिखा है, नो रिएक्शन। हाँ, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ ड्यू टू दिस रिपल्सन, ठीक है। अब हम प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर करते हैं और H को इस साइड रखते हैं, ठीक है, और BR को इस साइड रखते हैं हम लोग, जो कि बी माइनस साइन बन के निकलेगा, और OH यहाँ से होगा, तो यहाँ पे देखिए जब माइनस साइन के निकलेगा तो इस पे तो पॉजिटिव होगा ही, इस पे पॉजिटिव हो गई, तो ये इजिली इधर से निकल जाएगा, उसके बाद OH जाके लग जाएगा, तो जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली कुछ ना कुछ बन जाएगा, क्या बनेगा कैसे भी आप लिख लीजिए, जो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद यहाँ पे मिथेनॉल बन गया और BR माइनस बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन, और नीचे वाला हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, सर, ऐसे लिख लीजिए आप। हमें बेसिकली दोनों यहाँ पे दिखाने होते हैं। हाँ, बस ये है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक मिनट सर, डन सर। ओके।
इसके बाद अपने पास दूसरा जो फैक्टर है, मैंने आपको बताया कि दूसरा जो फैक्टर फिर होता है वो एच बी आर स्टेरिक फैक्टर। माइनस जो है वो प्लस हुआ है इसमें, प्लस बी आर माइनस है। हाँ, बी आर माइनस मतलब बाई प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ये समझ एक्चुअली गया बनाकर रिप्लेस कर दिया उसको। जी सर। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा फैक्टर है अपने पास, दूसरे फैक्टर के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग और वहां से उस फैक्टर को उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो ये हो गया फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और फॉर द रिएक्शन टू हैपन। ठीक है, ओरिएंटेशन। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास एक ये लिखते हैं पी जेड ए बी ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या है? इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जेड ए बी जो है वो क्या बताया था मैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और जो यहाँ पे पी है, बेसिकली पी को हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट नाम मैं बताता हूँ, इसको क्या कह देंगे, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो स्टेरिक दो फैक्टर दो फैक्टर अपने पास, ओरिएंटेशन और दूसरा स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, जैसे सपोज अपने पास क्या है, ए प्लस बी जो है अपने पास एक प्रोडक्ट दे रहा है। ए प्लस बी क्या दे रहा है? अपने पास एक प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर का मतलब यही हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह। ठीक है, कि मतलब एक छोटे से एटम पे या छोटे से मॉलिक्यूल पे, छोटे से ग्रुप पे आप बहुत बड़े बड़े ग्रुप रख देंगे। ठीक है, जैसे कार्बन पे आपने एक तरफ बहुत बड़ा ग्रुप रख दिया, चार बॉन्ड बनाया, बहुत बड़े बड़े ग्रुप रख दिए, तो वो छोटा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में रिपल्सन होने लगेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी आपको तो पता चलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले कि टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन अनदर फैक्टर Another factor P, which is called the probability or steric factor, which is called the probability or steric factor is introduced. इसको भी हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद देखिए अपने पास क्या होता है कि एक कॉलिजन होने के लिए, ठीक है सॉरी हाँ, एक कॉलिजन मॉलिक्यूल्स में कोलाइड होने के लिए वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि इन अ कॉलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर डन। जी सर अब हम यहाँ पे और भी चीजों के बारे में बात करते हैं, भाई थोड़ा सा लिखना है फिर भी बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि इन कॉलिजन तो थ्योरी, ये भी नोट में लिखना ना। हाँ दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, इन कॉलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कॉलिजन एंड हेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों चीजें ही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है।
आंसर गन ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, उससे पहले मैं ये कह रहा था आपसे कि एस्टेरिक फैक्टर जो है बेसिकली, या प्रोबेबिलिटी फैक्टर की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक छोटे से ग्रुप पे बहुत ही बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे सी है, सी पे किसी तरीके से मैंने लगा दिया CH3, CH2, CH2OH, प्रोपेनॉल लगा दिया, कहीं से उठा के मैंने क्या कर दिया यहाँ बेंजीन रिंग लगा के, ठीक है, और बेंजीन रिंग लगा के इधर भी कुछ ऐड कर दिया, NO2 वगैरह लगा दिया, इधर से मैंने बहुत ही बड़ा एक और कार्बोक्जिलिक एसिड वगैरह तो लगा ही सकते हैं, CH2 COOH कर दिया, इधर से मैंने बिल्कुल CH3 CH2 NH2 वगैरह कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटे से ग्रुप में बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा कार्बन। तो और दूसरी बात कि अगर हैंडल कर भी रहा है, फिर भी यहाँ पे इन दोनों में जब ये खोल के लिखिएगा कार्बोक्जिलिक एसिड को, इधर से अल्कोहल को और इधर से अमीन को, ठीक है, इधर से ये, तो ये एक दूसरे में क्या होंगे, रिपल्सन करेंगे कि नहीं, क्योंकि छोटे से जगह में बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं, यस सर, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाता है टू नॉट कोलाइड और टू नॉट द फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट। जी सर, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है, और अभी हम लोग शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। 1 मिनट सर। जी सर, चलिए, तो आप ये सारी चीजें लिख दें, कोई इसमें प्रॉब्लम? ओके नो सर, अभी तक नो नो प्रॉब्लम। okay. अब देखिए अपने को क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन, और बहुत ही ओके इजी चैप्टर है ये, ठीक है, और सबसे इजी, सबसे ज्यादा तो आपके सबसे कम टाइम इसी में लग रहा है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। दूसरी बात कि आपका केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चंस कितना प्रैक्टिस किया आपने घर पे, सर, उसी की दिक्कत है, क्या क्या मतलब? क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है सर उसके। अच्छा हाँ, तो साथ साथ में करना ज्यादा बेटर होता तो है। सर हाँ एक काम करते हैं, आप मुझे असाइनमेंट भेज दो, आज हम वो कर लेते हैं, मैं अभी बैठ के वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेता हूँ। ओके सर, बोलता हूँ असाइनमेंट भेजना, बाकी चैप्टर के असाइनमेंट मिला? 1 मिनट सर, मैं ना चेक कर लेता हूँ एक बार वेबसाइट पे जाके। चलिए वो कर लेंगे, बाकी तो वो तो बाद में ही करिएगा आप, हम सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो जी स्टार्ट करूं मैं? हाँ जी सर, चलिए, तो यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशन की, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले एकदम आसानी से, मतलब एकदम ही बेस से लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू अपने पास आ जाता है सॉल्यूशन, क्लियर है? 1 मिनट सर, मेरे को 1 मिनट दो, मैंने दूसरा रजिस्टर लिया। ओके ओके ओके
जी सर। यस तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो होता है युवराज वो कैसे बनता है हमें पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, होता है कि नहीं। जी सर। अब देखिए ये जनरली हम पहचानते कैसे हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्यूट जो होता है आपका लेसर इन अमाउंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है आपका वो लार्जर इन या ग्रेटर इन अमाउंट होता है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूट होगा जो कम होगा और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और दोनों को मिक्स किया हमने तो सॉल्यूशन दे देगा। और एज फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर अगर हम करेंगे तो ये क्या दे देगा, शुगर सॉल्यूशन दे देगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, शुगर जो होगा आपका ये सॉल्यूट होगा और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है सॉल्वेंट जी सर। ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये होता है पहचानने का, ठीक है, कि अगर आपको ये नहीं पता है कौन ज्यादा है कौन कम है तो हम ये क्या देखते हैं इसमें कि एक सॉल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया। जस्ट सपोज कि दो कंपोनेंट है अपने पास, ठीक है, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू मिला के एक अपने को सॉल्यूशन देता है। तो बेसिकली इस सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा जिससे भी मिलता होगा वो सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा जो होगा बचेगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। बात समझ में आया, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन जिससे मिलता होगा आइदर दोनों कंपोनेंट में जिससे, ठीक है, तो जिससे मिलेगा, जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ टू मान लीजिए लिक्विड है और इसका भी लिक्विड आ गया, तो ये जो टू वाला होगा ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये जो होगा आपका ये क्या होगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है जी सर। तो ये होता है आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में अपने को बस बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इसमें हमें टू कंपोनेंट्स, ओनली टू कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि दो कंपोनेंट कंबाइन करते हैं तो अपने को क्या देता है, जो सॉल्यूशन देता है उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। टर्शियरी सॉल्यूशन भी होता है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी होता है। टर्शियरी का मतलब ये हो गया तीन तीन कंपोनेंट, क्वार्टरनरी का सॉल्यूशन का मतलब हो गया चार कंपोनेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, हो गया जी सर। अब देखिए अपने पास क्या आता है, अपने पास जो है सबसे पहली बात कि जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने मिक्स किया तो हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो आपने को मिलता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा, बाय मास बाय वॉल्यूम, कितने मोल से कितना मोल बनेगा, ठीक है, फिर कितना मोलारिटी होगा नॉर्मैलिटी होगा, तो इन सब चीजों का डिस्कशन करने के लिए एक टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे देखिए क्या क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट, दूसरा जो होता है आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, तीसरा जो होगा आपका ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, फोर्थ जो होगा आपका ये देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट वाला होता है, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के बाद आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद आ जाएगा आपके पास मोलारिटी, मोलारिटी के बाद हम ले लेते हैं आर है ये मोलारिटी, मोलारिटी के बाद हम ले लेते हैं मोलालिटी, मोलालिटी के बाद हम ले लेते हैं नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी के बाद हम लोग ले लेते हैं पीपीएम जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जैसे हम बात करते हैं परसेंट की वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट सर, नोट डाउन कर लो।
डन सर। ओके कंसेंट्रेशन टर्म्स आपको मेरे को ढंग से करानी पड़ेंगी क्योंकि इसमें मैं वीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए सबसे आसान, यहां पे कभी कभी क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों में पूछूं आपसे कि इन तीनों में कौन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? सर वेट वेट बाई वेट परसेंट ये हो यस जाएगा, सर क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब जिस जिस में वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा, डिपेंडेंट होगा, तो मैं उस पर लिख रहा हूँ जो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे जी आपका वेट सर बाई वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा और नॉर्मैलिटी हो जाएगा। ये जो पीपीएम होता है ना, देखिए सबसे पहली बात, वेट बाय वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम दिख रहा है, मोलारिटी में आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, नॉर्मैलिटी में भी नीचे वॉल्यूम आता है। तो ये सारे के सारे वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की बात होती है। रही बात इस पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन की, तो पार्ट्स पर मिलियन इज लाइक कुछ भी। ठीक है, आप नंबर की बात कर लीजिए, आप वॉल्यूम की बात कर लीजिए, आप मास की बात कर लीजिए, जैसे परसेंट होता है ना, परसेंट में कहीं भी यूज कर लेते हैं हम, मास में भी यूज करते हैं, वॉल्यूम में भी यूज करते हैं, पैसे में भी यूज करते हैं, हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? जी सर तो बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस पे भी सवाल पूछा है, ठीक है, लेकिन जेई में नहीं, नीट में पूछा था कि कौन डिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंट की, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। और ये देखिए वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जस्ट मैं दे दिया 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है अपने पास? पता है एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, परसेंट की बात हो रही है तो नीचे जो होता है डेनोमिनेटर में वो तो फुल होता है ना, कंप्लीट। जैसे मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स का परसेंट निकालते हैं तो टोटल जी मार्क्स सर नीचे आता है। तो बेसिकली हम इसमें सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, तो नीचे किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो टोटल जो होगा वो नीचे आएगा डेनोमिनेटर में। तो नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं और ऊपर वाले में सॉल्यूट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बात करते हैं? सॉल्यूट की। ठीक जी है, सर और इसमें ना हम एक रेफरेंस ले चुके हैं, ठीक है, पहले से ही, ठीक है, एक रेफरेंस ले चुके हैं हम लोग कि ये जो होगा आपका 100 ग्राम में होगा, कितने ग्राम में होगा? 100 ग्राम में 100 ग्राम में। अब एक बात बताइए, 100 ग्राम की बात कर रहा हूं, या वॉल्यूम लेंगे तो 100 ml ही लेते हैं। बेसिकली ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना, ये यूज होते हैं आपके मेडिसिन्स वगैरह में। किसमें यूज होते हैं? मेडिसिन्स में। मेडिसिन तो वहां पे छोटे छोटे ही मेडिसिन बनते हैं, या फिर जरा जरा सा, ऐसा तो है नहीं कि बड़ा बड़ा 2-2 किलो का ट्यूब बनता है। जी सर ठीक है, तो वही बात है। तो इसको देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे क्या है? सॉल्यूशन होगा। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और छोटा करना चाहे तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जी सर देखिए एक इतने से वर्ड से, इतने से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इससे क्या पता चल गया? सॉल्यूट का मास कितना है? 5 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा युवराज? 95 ग्राम 95 ग्राम होगा, 95 ग्राम होगा। अगर हमें सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 95 ग्राम। ठीक है, अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर 5 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूट का नाम गिवेन है, जस्ट सपोज कि जो सॉल्यूट है आपका वो H2SO4 है, ठीक है, एसिड है और 5 ग्राम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जी सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट का नाम गिवन है तो मोलर मास निकाल सकते हैं, गिवन मास गिवन ही है, सॉल्वेंट का भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला भी निकालता हूं मैं, ठीक है, इससे बेसिकली एक फॉर्मूला देता हूं मैं, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ
सॉल्यूशन और इनटू में आ जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा इनटू में 100 हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। जी सर, डन सर। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक्चुअल में ये वेट बाई वेट परसेंट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ना, इसको मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को टफ करने के लिए दिया जाता है और कुछ नहीं। तो सर उसमें भी यही सब होता है बेसिकली? नहीं मतलब उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन परसेंटेज में जब पूछता है तो बच्चे डर जाते हैं। एक वर्ड दे दिया 5% वेट बाई वेट CaCO3, और कुछ उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। 5% वेट बाई वॉल्यूम CaCO3 कैलकुलेट मोलालिटी या मोलारिटी। जी सर, बस अब उत्ते में ये हो जाएगा। सर ये 5/105 × 200 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि 5/100 × 100 कर देते हैं और 5% ला देते हैं। नहीं सर, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है, वो है ये कि वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5% वेट बाई वॉल्यूम है, जस्ट सपोज 5% वेट बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बताइए, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 ग्राम सॉल्यूट का नाम पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लिखे तो ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। दोनों के इनटू में क्या आ जाएगा, 100। यूनिट्स तो अलग होंगे, हाँ यूनिट्स इसका अलग ml होंगे, इसका ग्राम है। तो वहां पे बेसिकली उसी के टर्म में आएगा, ठीक है। और परसेंट है तो हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंट भी लिख देते हैं साथ में, ऐसे नहीं छोड़ते। जैसे 5% आ गया तो 5% वेट बाई वॉल्यूम, ये पता जो होना चाहिए कि 5% वेट बाई वॉल्यूम आया, दैट मीन्स कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डन सर, वेरी गुड। अब ऐसे ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास, अगर 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दैट मीन्स 5 ml ऑफ सॉल्यूट, 5 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। युवराज समझ में आ रहा है? जी सर। तो बहुत सारे ट्यूब्स जो होते हैं, जो जिसमें लिक्विड वगैरह होता है, सेमी लिक्विड, ठीक है, उसमें लिखा रहता है 1% वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम किसी कंपाउंड का नाम। जी सर, तो इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट अगर गिवन है आपको, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आ जाएगा, 100। समझ आया? जी सर, डन सर। चलो तो यहां पे अब देखिए, अपने पास आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है, ये तो फ्रैक्शन निकालना, और फ्रैक्शन का यूनिट जो होता है कुछ नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। जस्ट सपोज ए और बी है अपने पास, ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। पहले समझ लीजिएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स की तरह दिखता है। तो हम अगर लिखें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी काई ए इज इक्वल टू आ जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इन द कंटेनर, तो नंबर ऑफ मोल्स ए भी होगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी हो जाएगा. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो ये आपके बेसिकली पास सर ए और बी का अगर सोल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी और जितना उसका है उतने वो ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन बी और नंबर ऑफ मोल्स इन ए. अब एक चीज और कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम करिएगा ना तो वो हमेशा वन आएगा. क्या आएगा? हमेशा वन आएगा. ठीक है जी सर. यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको. अगर जस्ट सपोज काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन, काई ए का वैल्यू क्या है आपके पास? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही है ना. और काई बी का वैल्यू क्या है आपके पास? एन बी अपॉन एन ए प्लस एम बी, यही है. एलसीएम लेंगे आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको पता है इजिली कि एन ए प्लस एन बी ये हो जाएगा. जी सर, सेम है सर, वो तो पता ही है कि दोनों सेम हो जाएंगे. वन आ गया कि नहीं? तो अगर इन केस किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है कि इसका मोल फ्रैक्शन वन है, जीरो पॉइंट समथिंग है, तो उसका मोल फ्रैक्शन वन माइनस जीरो पॉइंट समथिंग कर देंगे, मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है जी, इसे लिख लीजिए. हो गया. एक मिनट सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता आपको सर, सब कुछ रिवाइज करा दो. ओके एक मिनट सही से लिखिए, एक मिनट बस. डन सर, एक मिनट. हो गया जी सर. यहाँ देखिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की. तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ना एन से डिनोट. अब नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं. गिवन मास अपॉन में मोलर मास. आप मोलर मास निकाल सकते हैं युवराज? जी सर, मोलर मास तो निकाल सकते हैं ना आप सर. वो तो हर एक का क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास प्लस करना होता है. हाँ, एटॉमिक मास को इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए, मोलर मास निकल जाएगा. जी सर. दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर. ठीक है. और तीसरा ये होता है नंबर पार्ट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर. गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो ये ज्यादातर जो यूज होता है ना यहाँ पे यही वाला यूज होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. इनकेस अगर वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो एन से डिवाइड कर दीजिए. अगर मैं एक सवाल करूँ आपसे, इफ देर इज 15 इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. इफ देर इज 15 इलेक्ट्रॉन, इफ देर इज 15 इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. सो ये कैसे होगा? 15 इलेक्ट्रॉन है, नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो सर इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तो उसमें क्या कहते हैं, हम जो 15 नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए H2S आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं. ओके सर, तो अपने 11th में
नहीं, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया जैसे 49 ग्राम H2SO4, जी तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास 49 है, मोलर मास 98 है, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल आएगा। यस सर। अब यहाँ पे अगर पूछ लेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, टोटल हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 मोल। ये एक्चुअल में 1/2 मोलिक्यूल आया है H2SO4 का, क्योंकि H2SO4 इज अ मोलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल आएगा एच का टोटल। फिर ऑक्सीजन का अगर पूछ देता है तो ऑक्सीजन टोटल 4 है और 1 मोल में ये कितना है, हाफ है, सॉरी H2SO4 हाफ मोल है और एक H2SO4 में देखे तो 4 है, तो ये 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी देखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसका मोल निकालते हैं, फिर अगर मोल निकल गया आपका तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। सर H2SO4 में 4 कैसे आए? H2SO4 में 4 क्या, ऑक्सीजन। हमने सर 4 × 1/2 करा ना, ये थोड़े समझ नहीं आया मुझे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, हाइड्रोजन टोटल कितना है, 2 है, जी सर, और टोटल H2SO4 का मोल्स कितना है, हाफ है, जी सर। तो जितना मोल्स आता है ना मॉलिक्यूल का उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एटम से, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हाफ मोल आया H2SO4 का, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन का आएगा। ओके सर। तो यहाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास ज्यादा यूज होता है, जैसे अभी आपको मैं देने वाला हूँ दो तरीके का, एक तो मैं ये दूंगा 46 ग्राम C2H5OH presenting 54 ग्राम H2O. Calculate mole fraction of both. यानी C2H5OH का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। मोल फ्रैक्शन निकालना है ना सर, तो पहले निकालेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए गिवन मास 46 अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास इसका हो गया 24, कार्बन का 12 होता है तो 24 24। आप ये सॉल्व करिए। हाँ जी सर, आगे युवराज मोलर मास कितना आ गया सर C2H5OH का? जी सर इसका आ गया 46 46 46, यस सर, तो ये आ गया 1 1 मोल, और दूसरा one. वाला आ गया सर 3 मोल वाटर। मोल फ्रैक्शन निकाल, सर फॉर क्या कहते हैं C2H5OH का जो आएगा वो 1/4 हो जाएगा, और दूसरे का सर 3/4। ठीक है सर। यस यस, 1/4, 3/4 आ रहा है ना? जी सर।
सर 10% वेट बाय वेट CaCO3 का मतलब ये है कि 10% CaCO3 है इन क्या कहते हैं इन वाटर। यस। ओके सर। सर कैल्शियम को कितना होता कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? था? 20, 40 हो जाएगा मोल मास, एटॉमिक मास 40 होगा कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होगा। जी सर। सर 1/51 है मतलब सी ए उसे सी ओ कहा थ्री जाए का। हाँ 1/51, तो दूसरे का 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ युवराज सर उसका 50/51 आ रहा है। 51 हो जाएगा। वेरी गुड, ये भी डन, ये भी डन। अब ये थर्ड करिए, फिर मोलारिटी की तरफ चलते हैं। हो नहीं हुआ। गया सर 1 मिनट। सर क्या कहते हैं 1/4 और 3/4। हाँ सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज होता है ना, 46% वेट बाई वेट गिवन है, यानी 46 ग्राम C2H5 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम है ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 ग्राम सॉल्वेंट, तो एक सॉल्यूशन है, तो ये जो 54 ग्राम होगा H2 होगा, जस्ट लाइक द ये बोला। आप देखिए, आप ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट है। तो बेसिकली इन सब चीजों को वेट बाई वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सब कुछ चीजों को यूज करके क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। वैसे होता नहीं है अगर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जाए तो। हो गया, आगे बढ़े। जी सर। अब आपसे एक सवाल है कि अगर मोल फ्रैक्शन को देखे तो क्या ये मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? सर
नहीं सर होगा डिपेंड क्योंकि करता है सर वो एक्चुअली। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की जब बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स, तो मोल्स और वॉल्यूम का देखेंगे, मतलब टेम्परेचर, तो उसमें वॉल्यूम नहीं है ना नंबर ऑफ मोल्स में, तो नो सर, इस वजह से ये डिपेंड नहीं करता। अगर हम यहाँ पे देखें मोलारिटी की बात करें, तो मोलारिटी जो होता है आपका, ठीक है, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, इन लीटर की बात कर रहा है और सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट से अगर मोलारिटी को सबसे पहले बता दूं, एम से डिनोट करते हैं, और इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर सीधे सीधे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिख सकते हैं कि नहीं। जी सर, अब यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो मोल्स पर लीटर, और इसी मोल्स पर लीटर को हम डायरेक्ट कैपिटल एम लिख देते हैं। इसी मोल्स पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैपिटल एम। जैसे मान लीजिए 2 m दे दिया, या फिर 2 मोल्स पर लीटर, बात सेम ही है, लेकिन ज्यादातर बुक में क्या यूज करता है, 2 m यूज करता है, या क्वेश्चन में 2 m का मतलब ये हो गया 2 मोल्स पर लीटर, यानी इसका मतलब ये हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत कुछ मिल जाता है इस सेंटेंस से, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूट का मोल गिवन है, तो सॉल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं। अगर जी हमें दे 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, अगर जस्ट सपोज हमने H2SO4 का मोलारिटी निकाला और यहाँ पे आया 2 मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा आपका, सॉल्यूट होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट जो होगा वो H2SO4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, 2 यहाँ रख देंगे, 98 यहाँ रख देंगे, क्योंकि H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो आपका गिवन मास भी पता चल जाएगा कि आपने मास कितना प्रेजेंट है। तो बस ये लिखने का तरीका है, तो देखना पड़ता है इसमें क्या क्या दे रहा है। अगर 2 मोल्स पर लीटर, बस बच्चे याद कर लेते हैं, 2 मोल्स पर लीटर दे रहा है, ठीक है, 4 मोल्स पर लीटर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जिसकी बात कर रहा है, H2SO4, NaCl, KiHCl, तो 2 मोल्स ऑफ वो सॉल्यूट सर इन वन इनटू लीटर ऑफ फोर ग्राम्स सॉल्यूशन। दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के। हाँ, क्या क्या, फोर तो वो ग्राम इनटू मतलब जितने भी ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे इनटू फोर दे रहा है, तभी उसका मोल्स डबल होगा। डबल नहीं सर, फोर डबल के नहीं, लिए, अगर मोलर मास, अगर मोल्स चार हाँ, मोल फोर है। के लिए, तो हाँ, तो 4 into उसका वो हो जाएगा, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो आप मास भी निकाल सकते हैं, और निकाल सर हमने सकते हैं कि ये क्या नहीं। लिखा था कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 2 मो, हाँ, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डन सर। चलिए अब इस पे भी कुछ सवाल करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो सवाल ये है, सबसे पहले तो आसान सवाल से शुरू करते हैं, कैलकुलेट, हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, 49 ग्राम, 1 मिनट रुक जाइए, 490 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी, ठीक है, दूसरा सवाल, 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 प्रेजेंटिंग 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट
मोलारिटी। तीसरा सवाल, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग। पहला है 25% वेट बाई वॉल्यूम CaCO3, दूसरा है 23% वेट बाई वॉल्यूम C2H5OH, सी है 4.9%, 4.9% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4। तो सर सल्फर का क्या होगा, एटॉमिक मास सल्फर का 8 होगा ना, इसका सल्फर का 32, 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। हाँ सो 10 मोल्स पर लीटर। पहले वाले का 10 m, 10 moles per liter। जी सर, दूसरा करिए, दूसरा मोल सर सोडियम का 19 था ना। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। 23 23 142। ये हो जाएगा ओके 0.25। हो गया, 1 मिनट सर। ये हेलो वाला बिल्कुल जगह सही है।
Na2SO4 का मोलर मास कितना आया? 142। 142, वेरी गुड। एक मिनट सर, बस हो गया। ओके सर 1/5 आई है इसकी। चलिए मैं सॉल्व कर लूंगा, 1/5 m, देख लेते हैं आपका 1/5 या 0.02 m जो भी कह लो। और 0.2 m। नेक्स्ट सर सही है ये, अभी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट सर। वन बाई फाइव एम सही है।
कॉल पर व्यस्त है, कृपया खूबसूरत है।